डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर अपनी हिंदी ग्रामर बुक का, जिसका नाम है विशेषण। आज मैं अपनी बड़ी बहन के साथ दिल्ली घूमने गया था। वहाँ मैंने ऊंची इमारतें देखी, एक दुकान में सुंदर खिलौने देखे, मेट्रो स्टेशन पर तेज़ रफ्तार से चलती लंबी गाड़ी देखी। आज बहुत गर्मी थी, इसलिए हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। आज हमने बहुत सा सामान खरीदा। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के विषय में कैसा या कितना बता रहे हैं। अब इन शब्दों से हमें पता पड़ रहा है कि ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। कैसी बहन, बड़ी बहन। कैसी इमारत, ऊंची इमारत। कितनी दुकान, एक दुकान। कैसे खिलौने, सुंदर। कैसी रफ्तार, तेज रफ्तार। कैसी रेलगाड़ी, लंबी। इतनी गर्मी, कितनी गर्मी, बहुत गर्मी। कैसी आइसक्रीम, ठंडी ठंडी। कितना सामान, बहुत सा। ऊपर आए बड़ी, ऊंची, एक, सुंदर, ये सब जो शब्द हैं, आइसक्रीम, इन सब के लिए विशेषता बता रहे हैं। खिलौने, रफ्तार, रेलगाड़ी, गर्मी आदि। आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था तथा दशा संबंधी गुण या विशेषण बता रहे हैं, इसीलिए यह विशेषता बताने वाले शब्द हैं और इन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण शब्द की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब हम कोई वाक्य जब बोलते हैं तो उस वाक्य में किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता जा रही है, किस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वह विशेष्य कहलाता है। अब जिस प्रकार इसमें देखिए, छोटा बच्चा। अब जो छोटा है कौन है, किसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर? बच्चे के बारे में। तो यह जो बच्चा है ये हमारा विशेष्य कहलाएगा और जो छोटा है वो उसकी विशेषता है, इसीलिए वह विशेषण कहलाएगी। महान आदमी। अब आदमी इसमें संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द होता है, जो सर्वनाम शब्द होता है वह होता है विशेष्य और उसकी जो विशेषता बताई जा रही है वह होता है विशेषण। विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, अवस्था आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर मोर नाच रहा है। अब मोर की क्या विशेषता बताई जा रही है, क्या गुण बताए जा रहे हैं कि वह बहुत सुंदर है। तो यह सुंदर जो शब्द है यह होगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यह किसी के गुणों के बारे में बता रहा है। राधिका अच्छी लड़की है। अब राधिका कैसी लड़की है? अच्छी। अच्छी उसका गुण है, इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के कई एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हरा, पीला, काला, ऊंचा, नीचा, लंबा, गोल आदि। ये सब जो शब्द हैं ये हैं गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्या का मतलब क्या होता है? संख्या से मतलब गिनती, नंबर्स। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, काउंटिंग बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब हम कुछ बच्चे, कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, लेकिन हम बच्चों को काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। तो इसीलिए यह जो कुछ शब्द है यह संख्यावाचक विशेषण में कहलाता है। मेरे पास चार आम हैं। तो चार जो है वो संख्या का बोध कर रहा है। चार आम, चार इज
संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, कुछ, कई, अनेक, चार, पांच आदि, इस तरह से जो सभी संख्याएं होती हैं वो हम संख्यावाचक विशेषण के लिए प्रयोग किया करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मेरे पास मेरी गाय 5 लीटर दूध देती हैं, इस तालाब में बहुत मछलियां हैं, तो यह वाक्य किसी का परिमाण बता रहे हैं, किसी की संख्या मात्रा बता रहे हैं कि 5 लीटर दूध, बहुत सारी मछलियां, यह सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा, बहुत, कम, 1 मीटर, 2 लीटर, 5 किलो आदि, यह सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। जिन प्राणियों या वस्तुओं को गिना जा सकता है, अब इसमें एक विशेष टिप्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं आपकी बुक्स में, ताकि आपको यह ज्ञात हो कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या फर्क है। जिन प्राणियों या वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या के बारे में बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक कहते हैं। जिन शब्दों वस्तुओं को नापा या तोला जाता है उनकी मात्रा या परिमाण बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आओ इन उदाहरणों में समझते हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। उसके पास 4 आम हैं, हमें अब उसकी गिनती पता पड़ रही है ना कि इसके पास कितने आम हैं, तो यह होता है संख्यावाचक विशेषण। मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, यह नापना और तोलने के अंतर्गत आता है, तो यह है परिमाणवाचक विशेषण। रोहित के पास कुछ खिलौने हैं, अब कुछ खिलौनों को कंफ्यूज नहीं होना है हमने, हम लोग यह चीज़ देखेंगे कि उन खिलौनों को गिना जा सकता है या नहीं। अगर गिना जा सकता है तो वह संख्यावाचक विशेषण में काउंट किया जाएगा। मुझे 2 किलो चावल दे दो, चावल तोल कर खरीदे या दिए जाते हैं, तो यह जो 2 किलो चावल परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मोहन का है, वह कार मेरी है, ये, यह, वे, वह, कोई, तुम्हारा, उस, उसकी आदि। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। उसने पत्थर फेंका, यहाँ सर्वनाम का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। उस लड़के ने पत्थर फेंका, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर का।